गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल विद अ न्यू ब्लॉग। तो आज मैं आ गई हूँ जमशेदपुर का फेमस 22 फीट का काली मूर्ति। और थोड़ा लेट हो गया आने में क्योंकि आज ग्रहण भी था तो पता नहीं था होंगे कि नहीं, बट एनीवेज मैं पहुँच चुकी हूँ, मैं आपके ब्लॉग में दिखाती हूँ। तो ये जो काली पूजा है ना, ये टर्कों में होता है और ये बहुत बहुत ज़्यादा फेमस है। 22 फीट की मूर्ति इट्स ऑलवेज, मतलब इट्स फेमस एवरीवेयर। आप किसी से भी पूछोगे ना कि कहाँ है तो आपको पता चल जाएगा। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या मतलब कहाँ है, कैसा है। बहुत बहुत अच्छा डेकोरेशन किया है इस बार। देख रहे हैं डेकोरेशंस कितना अच्छा किया गया है। भीड़ तो है क्योंकि ये बहुत फेमस मूर्ति है, तो भीड़ तो होना बनता ही है। छोटे छोटे स्टॉल्स वगैरह भी लगे हैं बच्चों के लिए, टॉयज एंड ऑल दीज आर देयर। अब देख सकते हैं भीड़ किस तरह है, बहुत ज़्यादा भीड़ है। और ये भीड़, मैं अपने भाई के साथ आई हूँ आज यहाँ पे। आपको यहाँ से मैं माँ का झलक दिखाती हूँ और अब हम जाते हैं अंदर। ये जो छोटा मूर्ति है, माँ का पूजा इसी मूर्ति में होता है क्योंकि बड़े मूर्ति में तो पहुँचना थोड़ा मुश्किल है, इसीलिए छोटे मूर्ति में ही पूजा होता है। अब मैं यहाँ के एक मेंबर से बात करती हूँ जो हमें सारे डिटेल्स बताने वाले कि पूजा कब से हो रहा है और कितने दिन ये रहेगा। सारे डिटेल्स आपको आगे पता चलेगा। आपका नाम क्या है? रमेश सोनी। अच्छा, ये पूजा कब से हो रहा है? 1976। और कब तक का है ये 1976 से हो रही है अभी। अच्छा, कितने दिन का है ये प्रतिमा अभी? हाँ, अभी तो 23 तारीख को इनका इनॉग्रेशन हुआ और 29 तारीख को इनका विसर्जन होगा सैटरडे को। ठीक है, और कुछ स्पेशल यहाँ का? स्पेशल बुगी बुगी डांस होता है, 4 दिन का प्रोग्राम होता है यहाँ, तो प्रोग्राम कल से चालू हो जाएगी। म्यूजिकल चेयर है, बुगी बुगी है, बच्चों का है, बड़ों का है, फैंसी ड्रेस है, ये प्रोग्राम यहाँ होता है। अब आप ये बताएं कि इसको बनने में कितना टाइम लगा है? इसको बनने में मात्र 13 दिन लगा। 13 दिन में पूरा मूर्ति? और जो कारीगर है वो कहाँ से आता है? खड़गपुर से आते हैं। खड़गपुर से आते हैं। तो ये 22 फुट का ही क्यों है? 22 फुट का इसलिए है कि हमारे कमल का मेंबर है कमेटी के, उनको सपना में आए थी काली माँ कि हमको 22 फुट का ही मूर्ति बनाना है। उसके बाद से हम लोग डिसाइड किए कमेटी और उसके बाद से ही हम लोग 22 फुट का मूर्ति का आयोजन करते हैं। 33 फीट इसमें मूर्ति की हाइट है, 22 फीट और टोटल मुकुट है 5 फीट, टोटल हाइट इसका 32 फीट हो रहा है। अच्छा, ये मुकुट 5 फीट का है? हाँ। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू। अच्छा, अब आप हमें विसर्जन के बारे में कुछ बताएं। हाँ, विसर्जन होती है 11 बजे, मूर्ति विसर्जन के लिए निकल जाती है
और इस माँ सीटू तालाब में विसर्जन होती है मूर्ति माँ काली की मूर्ति, और इस विसर्जन में लेडीज़ का भीड़ करीब करीब 200 रहते हैं और जेंट्स रहते हैं कम 300 से 400, यानी 500-600 लोग इसमें विसर्जन में रहते हैं और भव्य तरीका से विसर्जन होता है। 500-600 लोग विसर्जन में होते हैं, और इसमें जो आगे से ढाकी वाले आते हैं, हमारे बाहर से लोग आते हैं ढाकी वाले उस विसर्जन में, और प्रशासन का भी इसमें बहुत सहयोग रहता है इस विसर्जन में। और विसर्जन आप लोग कैसे करते हैं? जो ट्रॉली ट्रॉली जो है हम लोग फेल के ले जाते हैं, जितने मेम्बर है सब फेल के ले जाते हैं हाथ से, कोई ट्रक का कोई आवश्यकता नहीं रहता है, ठीक है, हाथ से ठेल कर ले जाते हैं। माँ काली सीटू तालाब में विसर्जन होती है, विसर्जन 5 बजे से 6 बजे के बीच में विसर्जन शाम को होता है, और सुबह निकलती है 11 बजे विसर्जन के लिए, 5-6 बजे तक विसर्जन हो जाती है, और वही ट्रॉली फिर नेक्स्ट ईयर रिपेयर होके यूज हो जाता है। ट्रॉली को फिर हम लोग रिटर्न ले आते हैं, साल भर यहाँ रहती है, उसके बाद फिर नेक्स्ट ईयर फिर उसकी तैयारी शुरू हो जाती है। और यहाँ पे कुछ कल्चरल फंक्शंस भी हो रहे हैं बच्चों का? माँ का दर्शन हो गया है, बहुत अच्छा दर्शन हुआ, एकदम सामने से जाके भीड़ था लेकिन फिर भी धक्का मुक्की कर करके ना संभव हम आगे गए, और हमें एक वॉलंटियर मिल गए क्लब के जिन्होंने हमें सब कुछ बताया। आप तो खैर आपका वो पता भी चल गया होगा कि मूर्ति का जो हाइट है, सिर्फ मूर्ति का हाइट 22 फीट है, मुकुट वहाँ पे 5 फीट अलग, और शंकर जी का हाइट अलग, तो टोटल मिला के समथिंग अराउंड 35 ऐसा कुछ उन्होंने कहा था। और कैसे स्टार्ट हुआ और 22 फुट ही क्यों, तो ये भी उन्होंने हमें ये बताया है कि सपने में आया हुआ मूर्ति है, तो दैट इज़ द रीज़न कि इनको इसको 22 फीट की काली माँ बोली जाती है। फिर उन्होंने हमें विसर्जन के बारे में भी बताया, जो कि सुन के बहुत अच्छा लगा कि 500 लोग कम से कम जाते हैं विसर्जन में। ये पूजा अभी 28th या 29th तक है, तो अगर आप जमशेदपुर में है और विज़िट कर सकते हैं तो आप ज़रूर आए और विज़िट करें। मैं एड्रेस भी यहाँ पे मेंशन कर दे रही हूँ, जो पैम्फलेट था ना वो मैं अटैच कर दे रही हूँ, तो आपको एड्रेस भी पता चल जाएगा। फिर भाई को तो छुट्टी वैसे मिला नहीं था इस बार दुर्गा पूजा में भी, तो दिवाली में वो छुट्टी लेकर आया है, तो वो जो मिसिंग वाला फेस था ना कि दुर्गा पूजा में नहीं आ पाया, तो पॉसिबली दिवाली में वो सारा फुलफिल हो गया। हाउ आर यू फीलिंग सर? गुड। जो चीज़ दुर्गा पूजा में नहीं मतलब मैं नहीं देख पाया, वो चीज़ अभी दिवाली में देख लिया तो वो अच्छा लग रहा है। तो आज का ब्लॉग मैं यही एंड करती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिए।